जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या मैं अपने छत का जो बगीचा है, टेरेस गार्डन जिसे मैं कहती हूँ, उसमें मैं छोटी सी किचन गार्डनिंग भी करती हूँ। मैंने कुछ ग्रो बैग्स जो है वो परचेज़ किए हुए थे। पूरी डिटेल में आपको बताऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ किचन गार्डनिंग। तो देखिए, यहाँ पर ये क्यूकम्बर है जो रेडी हो रहा है, ये समर सीज़न वाला क्यूकम्बर है। और मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश का जो वेदर होता है वो मार्च से लेकर के जो जून तक काफ़ी गर्म होता है। यहाँ तक कि बारिशों में भी जब बारिश होती है तब तो ठंडा होता है, लेकिन उसके अलावा जब धूप निकल रही है, बारिश नहीं हो रही है, तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि जब तक ठंड नहीं आती है, हमारे यहाँ ठंड का एहसास नहीं होता है। सिर्फ सावन के महीने में जब बारिशें लगातार होती है तब थोड़ी ठंडक होती है। तो काफ़ी गर्मियाँ होती हैं फ्रेंड्स, तो गर्मियों वाली सब्जियाँ हमारे यहाँ थोड़ी इजीली ग्रो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी टफ होता है। कंटेनर में या किसी भी ग्रो बैग में जो है समर सीज़न की जो वेजिटेबल लगाते हैं, तो कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से वो वेजिटेबल ख़राब भी हो जाती है। जैसे कि गर्मियाँ हैं तो पानी दे देते हैं कि भाई शाम तक सूख जाएगा, पानी दे दो, तो वो कभी कभी ओवर भी हो जाता है, तो प्रॉब्लम आती है। ये लास्ट धनिया है जो इस ग्रो बैग में लगा है, एक ग्रो बैग में और है, उसमें थोड़ा सा ही है बस। ये लास्ट जो है अप्रैल का मंथ है, इसमें जो विंटर सीज़न के जितने भी फ्लावर्स वेजिटेबल्स जो भी है, बस ये लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप बारिशों में ही लगाइएगा ये सारे प्लांट्स, सब्जियों वाले जो पौधे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे कर रही हूँ किचन गार्डनिंग। तो यहाँ पे बीन्स लगाई है मैंने, करी पत्ता लगाया है और मिंट लगाया है मैंने, और ये देखिए यहाँ पर पालक लगाया है, बहुत अच्छे से हो रहा है। फ्रेंड्स, पालक तो आप साल भर ग्रो कर सकते हैं, बस ये है थोड़े से कीड़े ऑफ सीज़न होती है ना, जैसे सर्दियाँ जो होती है वो पालक का बेस्ट ग्रोइंग सीज़न होता है, लेकिन कीड़े बहुत लगते हैं जब आप बारिश में तो खैर पालक अगर आपने शेड में नहीं रखा है तो वो ख़राब होना स्वाभाविक है, गल जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से वो मिट्टी में टच होता है और फिर ख़राब होने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पालक की हार्वेस्टिंग करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि किचन गार्डनिंग मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक लगाया है, क्यूकम्बर लगाया है, क्यूकम्बर मैंने वो लॉन्ग वाला क्यूकम्बर लगाया है, ताकि क्या है अभी गर्मियाँ हैं तो वो थोड़ा ठीक है। उसमें पानी देने का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, उसमें भी मुझे 2 दिन में या 1 दिन छोड़ के पानी देना होता है, क्योंकि बड़े ग्रो बैग्स में एकदम से मिट्टी सूखती नहीं है। लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो पानी ज़रूर डेली चेक कीजिए। चाहे मैं 1 दिन छोड़ के पानी दे रही हूँ, लेकिन मुझे मिट्टी डेली चेक करना पड़ती है कि कहीं सूख तो नहीं गई, क्योंकि गर्मी का कोई भरोसा नहीं। अप्रैल के बाद जो मई की गर्मी आएगी उसमें तो मुझे ऐसा लगता है डेली पानी उसमें डालना होगा। वैसे तो पौधे जो गमले में लगे हैं उनमें तो मुझे रोज़ ही पानी देना होता है। पालक के बारे में बात करते हैं तो पालक देखिए मैंने लगाया था, ये होली के आसपास लगाया था, यानी कि मार्च में लगाया था, और अप्रैल में मुझे ये मैं जो है तीसरी बार पालक तोड़ रही हूँ। और इसमें भी मैं सिर्फ जितने बड़े ग्रो बैग में मैंने ये सीड्स लगाए हैं उसका आधा ही पालक लूँगी, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा हो गया है ये, और हम लोग सिर्फ 4 लोग ही हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से मुझे जो है पूरे ग्रो बैग का पालक नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर देखिए और क्यूकम्बर रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से जो है इसमें फ्रूटिंग आ रही है। थोड़ी सी केयर के साथ, हर संडे टू संडे अगर आप अपने वेजिटेबल प्लांट में थोड़ी सी केयर कर लेंगे, हर संडे टू संडे उसमें ऑर्गेनिक खाद डाल देंगे और उसमें पानी देने का ध्यान रखेंगे, और फुल सनलाइट में आप अपने बेल वाले पौधों को रखेंगे ना, तो ज़रूर हार्वेस्टिंग मिलेगी। खाद अगर आप दे रहे हैं तो नाइट्रोजन यानी कि कंपोस्ट के साथ साथ आप रॉक फॉस्फेट या बनाना पील या फिर DAP, तो DAP तो केमिकल हो जाएगा फ्रेंड, मैं DAP नहीं देती हूँ। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ तो मैं रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बनाना पील से भी मुझे ज़्यादा जो है रिज़ल्ट नहीं देखने को मिले। हाँ, फूल वाले पौधों पर बनाना के बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन किचन गार्डनिंग में अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रॉक फॉस्फेट का यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने जो मार्केट में ऑनलाइन ग्रो बैग्स मिलते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर के ग्रो बैग्स, इनमें अपने प्लांट्स को लगाया। आप चाहें तो जो प्लास्टिक के पाल होते हैं, हमारे यहाँ पाल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की जो शीट होती है उनको भी आप जो है किसी टेलर से कह के सिलवा करके ऐसे चोकोर ग्रो बैग्स बनवा सकते हैं। आप उनको डिज़ाइन दिखा दीजिए, वो सिलाई लगा के आपको बना के दे देंगे। अब ये देखिए आपके बजट में बैठता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये जो ग्रो बैग है वो 500 समथिंग में, पूरा 500 नहीं बताऊँगी, उसके अंदर ही ये ग्रो मुझे 500 के पड़े थे, और आज से 3 साल पहले मैंने ये ग्रो बैग्स खरीदे थे। 3 साल से मैं किचन गार्डनिंग इसी में कर रही हूँ।
उससे पहले भी मैं किचन गार्डनिंग कर रही थी, बट ग्रो बैग्स में प्रॉपरली कर रही हूँ। और इसमें क्या है ना कि अच्छे से आपके पौधे को फैलने के लिए जगह मिलती है, जितनी उसकी रूट्स को जाना है उतना वो जाती है। ऐसा नहीं है कि पालक है तो मैं छोटा ग्रो बैग ले लूँ या छोटा पॉट ले लूँ, नहीं, मैं पालक को भी बड़े में ही लगाती हूँ ताकि वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ ले सके और कॉम्पिटिशन ना हो किसी भी पौधे में। एक पौधे से दूसरे पौधे में कॉम्पिटिशन भी बहुत होता है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपके घर में आटे के जो पॉलीथीन निकलती है, आटे के, मैं उन्हें कहूँगी मेरी गार्डनिंग की लैंग्वेज में कि आटे के ग्रो बैग्स। मैं अपने टेरेस गार्डन में आती हूँ तो मैं उनका नाम यही लेती हूँ कि आटे के ग्रो बैग्स। आप स्टार्टिंग वहीं से कीजिए, आप डायरेक्ट पॉट मत खरीदिए या ग्रो बैग मत खरीदिए। उनमें जब आप सक्सेसफुल हो जाएँ, अगर आप अभी भी पालक लगाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल शेड एरिया में लगाएं, एक बार लगा के देखिए। कभी सीड ग्रो हो जाए तो ठीक है, लेकिन अब सीड्स ग्रो होना काफ़ी मुश्किल है। मार्च में मैंने लगा लिया है ये पालक, मुझे पूरी गर्मी भर अच्छे से पालक देता रहेगा। अब जब जैसे ही जुलाई का महीना आएगा ना, तो मैं शेड एरिया में पालक का एक ग्रो बैग रख के, मतलब एक ग्रो बैग रख के उसमें पालक के सीड्स डाल दूंगी। उसको बिल्कुल ओपन एरिया में नहीं रखूंगी, सुबह या शाम की सनलाइट उस पर आती रहेगी। उससे क्या होगा ना कि बारिश के पानी से पालक ख़त्म भी नहीं होगा, कुछ लाएगा भी नहीं और आसानी से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन में छोटी छोटी जो है वो गार्डनिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर है तो फिर तो क्या ही कहने, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, मैं आपको क्यूकम्बर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या है ना बेलों को ऊपर नहीं चढ़ाया है। गर्मियों में आप बेलों को नीचे ही चलने दें, उससे क्या होता है ना कि गर्म हवा भी नहीं लगती है, मिट्टी तक धूप की केयर मतलब सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, धूप भी नहीं पहुँचती, तो जड़ें जो है ठंडी रहती हैं, पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो यहाँ पर 2 क्यूकम्बर मेरी रेडी हो गई, अभी तो स्टार्टिंग है, अब इसकी हार्वेस्टिंग भी लूँगी। तो इसी तरीके से करती हूँ मैं अपनी किचन गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, आप भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब बारिशों में ही शुरू कीजिएगा। अगर अभी तक शुरू नहीं किए तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने छत पर, अपनी बालकनी में छोटी से छोटी चीज़, जैसे मिंट है, धनिया है और छोटी छोटी पालक है, थोड़ा थोड़ा मेथी भी ग्रो कर सकते हैं, फेन्युग्रीक। आप बड़ी बेल वाली सब्जियों लगाने के लिए ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए वो आप नहीं लगा सकते, तो बैंगन लगाइए, टमाटर लगाइए। ये 5-6 सब्जियां तो ऐसी है, लगाइए। अगर आपने नहीं लगाई है, फ्रेंड्स, मैंने कुछ टमाटर के भी सीड्स डाले हैं, जिससे क्या है ना कि मई जून की गर्मी में काफ़ी महंगे होते हैं टमाटर, तो कभी मुझे 1-2 किचन गार्डन में भी टमाटर मिल जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है और दिल से खुशी मिलती है, ये मुझे पता है। चाहे मुझे पूरे गार्डन से ज़्यादा सब्जियाँ ना मिले, लेकिन हाँ, पालक मैंने 3 साल से कभी भी मार्केट से नहीं ख़रीदा है। 3 साल से बराबर प्रॉपर मैं घर का ही ऑर्गेनिक पालक जो है वो खा रही हूँ। और आप जानते हैं पालक के ऊपर कितना केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल से भरे हुए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे कि आप भी कुछ छोटी मोटी किचन गार्डनिंग करें। फ्रेंड्स, ज़्यादा सब्जियां नहीं मिलती लेकिन मन की शांति मिलती, कम से कम पालक तो आपको बिना केमिकल वाला मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अब अगली बार जुलाई में अपनी किचन गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। और अगर आप अभी भी किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो जो करी पत्ता है वो लगा लीजिए आप अभी, और मिंट लगा लीजिए। ये अभी करी पत्ता और मिंट का सीज़न है, ज़रूर ला के लगाइए। आप फ्रूटिंग प्लांट भी कोई सा भी ला के लगा सकते हैं, 25-25 इंच के गमले में लगा दीजिए, आराम से चलता रहेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी में, वहाँ पर भी अपने गार्डन से रिलेटेड वीडियोज़, फ़ोटोज़ और अपनी जो जितनी भी नॉलेज है या जो भी मुझे आता है वो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।